ओम शांति। आज की तारीख है 18/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा। जब सृष्टि पर आते हैं और आकर के जो अपना नई दुनिया स्थापन करने का कार्य करते हैं, जब करके चले जाते हैं तो उनका स्मृति चिन्ह, यादगार चिन्ह शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में बनाया जाता है और उनके साथ साथ नंदी और कछुआ भी दिखाते हैं, जिनके तन में, जिनके माध्यम से परमपिता परमात्मा शिव पिता ने ज्ञान सुनाया, उनका वह स्मृति चिन्ह है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैकरीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर है, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सन्मुख बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसको याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं, तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। गीत बजा है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो महावाक्य। नंबर एक, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह, यानी परमपिता परमात्मा की याद में रह, अतिंद्रिय सुख का अनुभव करना है। नंबर दो, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है, किसी के भी छी-छी शरीरों को याद नहीं करना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते हुए कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। हिसाब किताब और कर्म बंधन समझेंगे तो जबरदस्ती मजबूरी संबंध निभाएंगे और रहेंगे, परंतु सेवा समझकर अगर संबंधों में चलेंगे तो फिर कुछ सेवा होगी और सुखदाई भी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी हैं, विश्व सेवा अर्थ है। तो बाबा ने देखो कितना स्पष्ट किया कि क्यों हम हिसाब किताब और
कर्म बंधन न समझें पर सेवा समझकर उनके साथ निभाएं। स्लोगन है, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।